अपनी बला दूसरों के सर। प्यारे बच्चों, एक लोमड़ी जंगल में सैर को निकली। वो उस वक्त किसी सोच में थी, पैर रत्ती कहीं थी, पड़ता कहीं था। रास्ते में एक कुआं आया और वो बेख्याली में धड़ाम से उसमें जा गिरी। अब तो वो बड़ी घबराई, बहुत उछली कूदी मगर बाहर ना निकल सकी। आखिर जब उछल कूद के थक गई तो सोचा कि मैं खुद तो बाहर नहीं निकल सकती, कोई दूसरा ही निकाले तो निकाले। इतने में एक बकरा उधर से गुजरा और वो कुएं में झांकने लगा। जब उसने कुएं में लोमड़ी को देखा तो बोला, मैं सलाम भी लोमड़ी, यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने सोचा, लो भाई बिगड़ी बात बन गई, भोले भाले बकरे को धोखा देकर काम निकालना चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, भैया बकरे क्या पूछते हो, मजे से बैठे हैं, यहाँ तो बस ठंड ही ठंड है, ठंड ही ठंड। बकरे ने कहा, मैं, ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ी खुशी हुई ये सुनकर, चैन लो और मजे उड़ाओ। ये कहकर वो उल्टे पांव फिरने लगा। इस पर लोमड़ी ने कहा, वाह 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 वाह, क्या घास है। बकरे ने पूछा, मैं, यहाँ घास भी है, क्या तुम घास खाती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं भाई मैं घास नहीं खाया करती, मगर ये घास ऐसी मजेदार है कि मेरे मुंह में पानी भर आया है। बकरे ने खुश होकर कहा, मैं, तुम बड़ी अच्छी हो, थोड़ी घास मैं भी खाना चाहता हूँ। ये कहकर बकरा कुएं में कूद गया। उसके कूदने की देर थी कि लोमड़ी झट छलांग मारकर उसकी पीठ पर जा बैठी और वहां से जो उछली तो कुएं के बाहर थी। अब लोमड़ी बोली, भाई बकरे मजे से घास खाओ और जितनी चाहे खाओ, लो जी हम तो जाते हैं, सलाम अर्ज है। इतना कहकर लोमड़ी ने अपनी राह ली और बकरा वहीं कुएं में पड़ा ममियाता रहा।